हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन गार्डन पे। आज मैं आपको दिखाऊंगा डहलिया को सीड्स ग्रो करने के बाद जो मैंने इसको रिपोर्ट करता हूं छोटे से चार गिलासों में। अभी तो मैं सिर्फ इसके छोटे छोटे चार गिलासों में ही रिपोर्ट करूंगा दोस्तों। आगे जब ये थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे तो मैं इसको पॉट में शिफ्ट कर दूँगा। ये मैंने गिलास ले लिए हैं, ये पहला गिलास और ये दूसरा और ये तीसरा गिलास और ये मेरा चौथा गिलास है। याद रहे दोस्तों, गिलासों में कोई सूजा या छुरी गर्म करके छेद कर लें, इससे ड्रेनिंग होल बन जाए। ये देखिए, मैंने चार पांच छेद कर लिए हैं, इसमें ड्रेनिंग होल बना लिया है मैंने। इससे पानी पास होता रहेगा और ये ड्रेनिंग सिस्टम इसका बना रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करके डहलिया रिपोर्ट किया जाता है। अब ये मैंने चार गिलासों में आधे आधे गिलास मिट्टी ले लिए। मिट्टी की बात करें तो इसमें मैंने 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल का इस्तेमाल किया है। इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अभी देना ठीक नहीं है दोस्तों। इसमें मैं ज़्यादातर लोगों को यही राय दूंगा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो कम ही दें। फूलों के पेड़ में तो आप दे सकते हैं, ये खाने वाली पीने वाली चीज़ जो तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मौसम का प्लांट है, गर्मियों में वैसे भी सूख जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं ज़्यादा फूल पाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैंने तो सिर्फ इसमें वर्मी कंपोस्ट और नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ आपके सामने। वीडियो को अंत तक देखना, इसमें कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा मैं डहलिया के बारे में। आपका डहलिया फटाफट जल्दी से ग्रो होगा और अच्छे अच्छे फूल देगा मेरे दोस्तों। वीडियो को कतई स्किप मत करना, आराम से इस वीडियो को देखना। रिपोर्ट करने का सारा सिस्टम, सारी ट्रिक सब आपको बताऊंगा। हल्के से जैसे ये होल बना लिया, होल बनाने में यह है जड़ जो है आराम से इसको दबेगी नहीं। जड़ दब जाएगी तो उसको थोड़ी परेशानी देगा वो जर्मिनेशन में। जर्मिनेशन थोड़ी लेट स्टार्ट होगी, जड़ें सीधी होंगी तो सीधी फैल जाएंगी। अब ये दूसरा मैंने निकाल लिया, उसको आराम से निकालना है दोस्तों, इसकी जड़ें जो है डैमेज ना होने पाएँ। अगर जड़ें डैमेज हो जाएंगी तो प्लांट जो है डोरमेंसी में जाने का ख़तरा रहेगा और ग्रो नहीं हो पाएगा। अधिकतर लोग नर्सरी से लाने के बाद प्लांट जो है वो रिपोर्ट करते हैं, उसमें भी आपके प्लांट सूख जाते हैं। इसके बारे में भी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल तो मैं ये सिर्फ इसको जर्मिन रिपोर्ट करने का सिस्टम बता रहा हूँ आपको। तो आराम से हल्के से प्रेस करके दूसरा वाला रख दे। तीसरे वाले में भी सेम प्रोसेसर दोहराना है, हल्का सा होल बीच में मिट्टी साइडों से चढ़ा लेना है गिलास के। और मैंने इसमें 50% वर्मी कंपोस्ट इसलिए इस्तेमाल की, इसको जर्मिनेशन फास्ट जर्मिनेट करने के लिए। जितनी जल्दी जर्मिनेट होगा उतनी जल्दी मैं आपको अगली अपडेट वीडियो दूँगा। और यह इसको आराम से मैंने रख दिया है दोस्तों। अब मैं इसमें मिट्टी डाल रहा हूँ, मिट्टी मैंने अपने पास ही बना कर रख ली, पीछे को कैमरे की रेंज के बाहर रखी हुई है मिट्टी जी, पीछे रखी है। और इसको आराम से हल्के से प्रेस करना है दोस्तों। और ये तीसरा वाला भी तैयार हो गया। अब आ गई चौथे और लास्ट की बारी। पहले थोड़ी सी मिट्टी इसमें कम रह गई है, वो मिट्टी डाल दूं। आराम से प्यार से प्रेस करना है। और ये तीसरा तैयार हो गया। अब आई है चौथे वाले की बारी। याद रहे दोस्तों, सीडलिंग ट्रे में से पौधे को इस हिसाब से निकालें कि उसकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो, कोई डैमेज ना पहुंचे। जड़ें डैमेज हो जाएंगी, प्लांट ग्रो होने में टाइम लगेगा, फिर आप कहेंगे आपका तरीका गलत था, आपने बताया नहीं सही। दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा तरीका, कैसा लगा आपको, कैसी लगी ये वीडियो। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मेथड पहुँचना चाहिए। गार्डनिंग का अनुभव, मेरा अपना जो अनुभव है इसके हिसाब से मैंने लगाए हैं। अब इसमें आती है, पहले थोड़ा सा हल्का इसमें मिट्टी डाल देते हैं सर, इसको पेड़ को सीधा करना है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा ना रखिए, हवा से गिर भी सकता है ये। इसको ऐसी जगह रख दीजिए जी जहाँ पर हवा जो है, इस पर हवा का असर भी अगर आए, किसी दीवार के सहारे दीवार के टेक से रख दीजिए ताकि हवा से गिरने ना पाए। गिर जाएंगे
ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको मैं गीली मिट्टी डाल के रोक देता हूँ। और ये मैंने इसमें गीली मिट्टी डाल दी। अब आती है बाटिंग की बारी। हल्के हल्के बाटिंग करना है ताकि जोर से प्रेशर से पानी नहीं डालना। प्रेशर से पानी डालेंगे तो मिट्टी बाहर निकल के भागेगी। अभी जब मिट्टी गीली हो जाए तो फिर आराम से पानी आप बाटिंग कर सकते हैं। इसमें बाटिंग इस हिसाब से करना है, इतनी करना है कि पानी ड्रेनिंग सिस्टम से बाहर निकलना शुरू हो जाए। खूब मिट्टी पूरी अच्छी तरीके से गीली हो जाए और जो ड्रेनिंग होल है उससे पानी निकलना शुरू हो जाए, इतनी बाटिंग करना। कोई भी नया पौधा आप जब भी रिपोर्ट करें, ट्रांसफ़र करें किसी भी चीज़ को, उसमें याद रहे दोस्तों अच्छे से वाटरिंग करनी है। वो भी अच्छी तरीके से ड्रेनिंग सिस्टम में से बाहर पानी आ जाए, इतनी वाटरिंग करनी है। और इसको अब जो है किसी ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर मॉर्निंग की सनलाइट आती हो 10 से 11 बजे तक की। उसके बाद जो है 4-5 दिन तक उसको वैसे ही रखना है। उसके बाद इसको आपको फुल सनलाइट में शिफ्ट कर देना है। डहलिया एक सर्दियों का प्लांट है, इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों देखिए मैंने इसकी वाटरिंग कर दी है, इसका ड्रेनिंग सिस्टम कितना अच्छा है, पानी जो है ड्रेनिंग होल से बाहर आ गया है। अब इसको बारी है दीवार के सहारे से रखने की ताकि ये गिर ना पाए, छोटे हैं ना इसलिए।